इस वीडियो में हम कवर करने वाले कुछ नए अपडेट को जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और IAF के लिए प्रोक्योर किए जाने वाले सिस्टम को लेके है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है MOD ने की है BEL के साथ, जहाँ पे वो जो दो इक्विपमेंट कैटेगरी है वो IAF को डिलीवर किए जाएंगे BEL के द्वारा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है वो 3700 करोड़ की है। तो इसमें से जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो मीडियम पावर रेडार को लेके है, जिसको हम अरुद्र के नाम से जानते हैं। डेवलप इसको किया है DRDO ने, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट कैटेगरी है वो इंडियन IDDM कैटेगरी है। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो DRDO का अरुद्र रडार है। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग जो ट्रायल है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए गए हैं IAF के द्वारा। ये एक 4-dimensional रडार है, मतलब अपने टारगेट के जो 4 dimension की इन्फॉर्मेशन है वो ये लेके आप तक आएगा। तो ये एक मल्टी फंक्शनल रडार है, जहाँ पे जो मोड होंगे वो STD मोड होगा, मतलब सर्वेलेंस डिटेक्शन, और जो ट्रैकिंग है वो ये सारी चीजें कर सकेगा एरियल टारगेट पे। तो यहाँ पे भी फेज डायरे दिए गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयरिंग है बीम को लेके वो की जाएगी अजमथ में, और जो एलिवेशन है दोनों में। सो इस सिस्टम के आसपास जो भी IFF होंगे उसकी हेल्प से जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये कर पाएगा टारगेट को लेके। यहाँ पे जो सेकंड सिस्टम है वो जो IAF के Su-30MKI है उनके लिए RWR को लेके है, जो कि पार्ट बनेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का। इसको भी डेवलप किया है DRDO ने, और जो इंटीग्रेशन है वो Su-30 एयरक्राफ्ट के जो वेरियस लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन जब किया जा रहा था तो वहाँ पे भी इसके प्लेस को लेके और जो ऑप्टिमल प्लेस होगा वो क्या रहेगा, ताकि जो एयरक्राफ्ट की फंक्शनिंग है उसको भी डिस्टर्ब ना करे, वो सारी चीजें करके जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए, उसमें जो टाइम है वो गया है, और अब जो मास प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है, और जो बाकी के फ्लीट है उन सभी पे जो इंटीग्रेशन है वो आपको होता हुआ दिखेगा। टेक्निकली आप कह सकते हो कि जो आप देख रहे थे सुपर सुखोई में इस तरह के अपग्रेड को, वो यहाँ पे अब दिया जा रहा है, जो कि इंडिजिनस ऑप्शन है। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अरुद्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरुद्र के पास जो कैपेबिलिटी है वो टारगेट को लेके 4 dimension की है। ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो कि कैपेबल है किसी भी टारगेट के जो एक्यूरेट पिक्चर है, प्रिसाइज डायमेंशन है वो आपको देगा। और ये चीज गैदर करने के लिए ये एम्प्लॉय करता है अडेप्टिव डेटा रेट को, डायनेमिक वेवफॉर्म सिलेक्शन को। तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म का सिलेक्शन रहेगा वो डायनेमिक रहेगा, जिससे कि टारगेट का साइज है और डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो वेवफॉर्म क्रिएशन है वो किया जा सकेगा, और जिस तरह का एनवायरमेंट आसपास रहेगा वो चीज अडेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो रोटेशन मोड में भी होगा, जहाँ पे ये घूम सकेगा 360 डिग्री अजमत कवरेज के लिए, और जो स्टीयरिंग मोड है अजमत में ही वो 120 डिग्री तक किया जा सकता है। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि जो अपडेट रेट रहेगा इन दोनों की वजह से वो यहाँ पे आपको हायर मिलेगा, और जो गैप्स होंगे वो एलिमिनेट होंगे। अगर यहाँ पे आप देखते हो कवरेज बाय वॉल्यूम को, तो वो चीज आप अचीव कर पाओगे मल्टी बीम को फॉर्म करके अजमत और एलिवेशन में, और इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है डिजिटल बीम फॉर्मिंग के द्वारा वो आपको हेल्प करेगी एक हायर वॉल्यूम एरिया को कवर करने में। रेंज की बात करोगे तो यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो 400 किलोमीटर का राउंड है, जो कि इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है। डिटेक्शन रेंज 300 किलोमीटर का राउंड है 2 meter square टारगेट के लिए, और जो ऑल्टीट्यूड कवरेज है वो 30 किलोमीटर मैक्स ऑल्टी से लेके जो मिनिमम ऑल्टी है 30 मीटर का वो ये कवर करेगा। और यहाँ पे जो ECCM कैपेबिलिटी है वो भी दी गई है, जो एक मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे है, जिसमें जो सर्च बीम है वो भी भेजेगा, ट्रैक बीम को इनिशिएट कर पाएगा सेम टाइम पे, और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कर पाएगा, और किसी टारगेट को कन्फर्म करने के लिए जो बीम का कॉन्फिगरेशन होगा वो भी ये सेंड करेगा। तो ज्यादातर हर तरह के वेदर कंडीशन में जो ऑपरेट करेगा, यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑल्टीट्यूड रहेगी 3 kilometer की है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन की, तो रडार को संचालित रखने के लिए जो 2 generator हैं 30 kVA के वो यहाँ पे रहेंगे, UPS बैटरी रहेगी, और जो कूलेंट यूनिट है वो रहेगा, और नज़दीक में ही जो OPS शेल्टर है, जो कि बेसिकली एक रिमोट OPS शेल्टर है, और यहाँ पे एक और जो IFF यूनिट है वो भी आपको दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 shelter है वो आपको दिख रहे हैं, पहला रिमोट OPS shelter है, और दूसरा जो रडार का shelter है वो दिया गया है, जो कि जुड़ा हुआ है IFF यूनिट से। और रडार में जो पावर सप्लाई हो आपको 2 दिख रही है, AC और DC की। जो DC पावर होगी वो UPS shelter से आपको मिलेगी कोई पावर फेलियर के बाद। और यहाँ पे जो जनरेटर्स है वो जुड़े हुए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन shelter से, और जो UPS है वो भी जुड़ा हुआ है 2-way डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से पावर shelter से। तो यहाँ पे जो रिमोट ऑपरेशन shelter होगा वो दूर रहेगा, और जैसे ही कोई जो टारगेट है वो आकर रडार पकड़ता है, और जो कन्फर्मेशन है वो IFF की हेल्प से की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तब जो रडार शेल्टर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमोट ऑपरेशन शेल्टर को भेजेगा RF लिंक के थ्रू, और फिर वहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन की जाएगी। अगर कोई ADS है उसके हेल्प से आप इंटरसेप्ट करना चाहते हैं टारगेट को, तो वो चीज उस शेल्टर से की जाएगी। तो फाइनली जो इसका मास प्रोडक्शन है वो अब होने जा रहा है। सो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है इसराइली ELM-2084 से वो आपको जरूर दिखती है, लेकिन जो एरे है वो यहाँ पे काफी अलग है। तो यहाँ पे 20 से 25 के नंबर में जो इम्पोर्टेड MPR है वो ऑलरेडी ऑपरेट किए जा रहे थे, जो कि अब अरुद्र के बन जाने के बाद अब जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मास प्रोड्यूस भारत में किया जाएगा DRDO के सिस्टम के साथ।
द्रुत की बात करोगे यानी कि DR-118 को लेके, जिसको Su-30 MKI के लिए डेवलप किया गया है, तो ये एक रिसीविंग सिस्टम है जो कि हाईली सेंसिटिव है। तो इसके जो रिसीवर है वो अल्ट्रा वाइड बैंड रिसीवर है जो कि हाईली सेंसिटिव है, और जो रेंज है वो यहाँ पर डायनेमिक है, और किसी भी एमिटिंग एलिमेंट को ये रियल टाइम में ट्रैक करेगा, और चाहे जो टारगेट हो, थ्रेट हो, किसी तरह का क्यों ना हो, नोन हो या फिर अननोन हो, दोनों को डिटेक्ट कर पाएगा। और जो क्यूइंग है आपके काउंटर मेजर सिस्टम्स के लिए, जैमर्स के लिए, जो सिग्नल प्रोडक्शन है उसमें ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो स्पेशल टेक्निक है डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए वो दी गई है, जो कि प्रोसेसिंग टाइम को कम करेगा, और जो आप एनमी के वैरायटी ऑफ रेडार्स है उनको आप इंटरसेप्ट कर पाओगे एक कम समय में। इसको मैन्युफैक्चर करने जा रही है BEL, और जो पार्टिसिपेशन रहेगा डेटा पैटर्न का, मिसाइल सॉल्यूशन का, और अस्त्र माइक्रोवेव का, वो यहाँ पर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।